व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। शुरुआत करने जा रहे हैं हम दिन की 10 बड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले आपको हम हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम लाइफ की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की जोड़ी की। इनकी शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब जब साल खत्म हुआ है तो प्यार भी खत्म होता नजर आ रहा है। जी हाँ, ये बात सुर्खियों में लगातार बढ़ती जा रही है कि दीपिका पादुकोण का साल खत्म होने के साथ साथ अब रणवीर सिंह के लिए लगातार प्यार खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये सब क्यों बोला जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण हमेशा प्रायोरिटी देती है घूमने फिरने को, खाने पीने को और मौज मस्ती करने को। वो कभी भी याद नहीं रखती है रणवीर सिंह को, जिसकी वजह से रणवीर सिंह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन वही फैंस का कहना है कि इन्होंने तो शादी जब की थी तो बहुत बड़ा बवाल के साथ इनकी शादी हुई थी, और आज दीपिका पादुकोण अपने प्यार यानी रणवीर सिंह को भुला चुकी है। ये कैसी बात हुई, लेकिन इस बात का क्या असली राज है, ये तो आपको बाद की खबरों में ही पता चलेगा। लेकिन इन सब खबरों को सुनकर आप क्या कहना चाहेंगे कि रणवीर और दीपिका की जोड़ी के लिए, वो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम दूसरी बड़ी खबर की, जो खबर है यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोगों की। जी हाँ, कोरोना संक्रमण अभी रिसेंटली ही हुए हैं अर्जुन कपूर पर। नया साल है आज, नए साल का पहला दिन है आज, लेकिन अर्जुन कपूर अपने प्यार यानी कि मलाइका अरोड़ा के साथ नहीं है, जिस बात को लेकर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और अर्जुन कपूर तो दुखी ही है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं अपने प्यार के साथ साल का पहला दिन भी नहीं मना पा रहा हूँ, तो आने वाले साल में क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि मैं ठीक रहूँगा या फिर नहीं रहूँगा। ये बात है कुछ दिन पहले की, जब अर्जुन कपूर कोरोना पॉजिटिव निकला थे, क्योंकि वो एक पार्टी में पहुंचे थे। और उसके बाद अर्जुन कपूर और उनकी फैमिली में काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसकी वजह से बीएमसी ने उनकी बिल्डिंग को ब्लॉक कर दिया और घर से आने और जाने से साफ मना ही भी कर दी। इसकी वजह से अब अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा से काफ़ी दूर है और वो नया साल भी एक साथ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ तीसरी खबर की, तो बता दें आपको कि तीसरी खबर है यहाँ पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की। जी हाँ, ये अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पहाड़ियों में पहुंचे हुए हैं, अब इनकी तस्वीरें भी वायरल होती नजर आ रही है। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितना खुश है और एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए भी कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों से साफ पता चल रहा है ये किसी फॉरेस्ट की तस्वीरें हैं, जहाँ जंगलों में या अपनी वादियों में खोए हुए हैं और नया साल मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो शादी 2021 में काफ़ी लोगों की हो चुकी है, कैटरीना विक्की की बात की जाए या फिर अंकिता विक्की जैन की बात की जाए या फिर अन्य लोगों की बात की जाए, तो सबकी शादियां हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी फैंस को इंतजार है द आलिया एंड द रणवीर की जोड़ी का। जी हाँ, अब इनका इंतजार है कि ये लोग कब शादी के बंधन में बंधेंगे, लेकिन अब इनकी रिलेशनशिप ऑफिशियल हो चुकी है और लगता है कि आने वाला जो समय है जल्दी ये भी हमको शादी के बंधन में बंधते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हम फिर से बात करने जा रहे हैं कोरोना के बारे में। यहाँ पर बात हो रही है कोरोना की, जिसमें फिर से एक बार सब लोगों की मदद करने के लिए सामने आ चुके हैं सोनू सूद। जी हाँ, सबको याद ही है कि कोरोना की दोनों लहर में सोनू सूद ने जमीनी स्तर पर उतर के लोगों की किस तरीके से मदद की थी, वही अब दोबारा से मदद के लिए आए हैं सोनू सूद सामने। और उन्होंने ये पोस्ट भी अपलोड किया अपने फेसबुक पे कि आज भी अगर किसी को मदद की जरूरत है तो आपका सोनू सूद यहाँ पर मौजूद रहेगा, क्योंकि सबको याद है कि लोग किस तरह से पलायन कर रहे थे और सोनू सूद ने उनके घर तक उन्हें पहुंचाया, उन्हें राशन पहुंचाया। और कोरोना की तीसरी लहर अब आ चुकी है, जिसकी वजह से केस भी अब इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है और लोगों से आग्रह भी करती हुई नजर आ रही है कि सावधानी बरते, रह सके तो अपने घर पे रहे और जरूरी चीजों का बेहद ध्यान रखे। लेकिन सोनू सूद का कहना है कि मैं पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ और सरकार के साथ साथ मैं भी मिलकर काम करूंगा। अब यहाँ पर हम बात करें करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब मैं एक बार अकेली थी तो मेरे बेडरूम में कोई घुस गया था, और उसके बाद क्या हुआ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आपको बता देते कि करिश्मा कपूर एक बार अपने घर पर अकेली थी और उन्होंने एक बार कारपेंटर को कॉल करके बुलाया था, लेकिन वो बाद में भूल गए कि कौन आना था और कौन नहीं। वहीं पर कारपेंटर ने ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए बेडरूम में घुसने की कोशिश की और उनका पर्स लेकर भाग गया। ये पूरी कहानी तो नहीं है, लेकिन आपको एक शॉर्टकट में हम बताने जा रहे हैं कि करिश्मा कपूर के साथ ये सारी दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस तरीके से इसको बयां किया वो आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। अभी यहाँ बात हो रही है संजय दत्त और श्रीदेवी की।
जी हाँ, यहाँ पर श्रीदेवी का कहना था कि मेरे साथ संजय दत्त ने एक बार बहुत ही घिनौनी हरकत कर दी थी, जिसके बाद मुझे संजय दत्त के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं उनसे डरा भी करती थी। अब श्रीदेवी के निधन के इतने समय बाद ये राज खुला है कि संजय दत्त ने श्रीदेवी के साथ बहुत घिनौना काम किया था। अब वो काम क्या किया था, उन्होंने किस तरह से उनको डरा दिया था, ये सारी जानकारी तो हम आपको बाद में देते रहेंगे। लेकिन श्रीदेवी और संजय दत्त की जो फिल्में थी उन फिल्मों को लेकर आपका कहना है ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ बात हो रही है सारा अली खान की। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही साथ सारा अली खान तो पिछले साल भी और आने वाले साल में भी लगता है कि पूरे टाइम सुर्खियों में बनी रहेगी अपने बड़बोले बनपन की वजह से। तो वही लगता है कि इस साल भी सारा अली खान हमेशा सुर्खियों में रहेगी। लेकिन अगर उनके पिछले साल की बात की जाए, कल ही उन्होंने पोस्ट अपलोड किया है जिसमें उन्होंने अपने पूरे साल की एक एक तस्वीर को अपलोड करते हुए लिखा है कि इस समय बेहद अच्छा था, मैं इस समय को कभी नहीं भुला सकती क्योंकि मैंने काफी लोगों के साथ काम किया और काफी कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बिग बॉस की। मालूम है सबको कि बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले आने वाला है, और ग्रैंड फिनाले आने वाला है तो हर कोई रेस में लगा हुआ है कि हमें जीतना है और हमें जीतना है। लेकिन अभी जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था बिग बॉस में, तो रिसेंटली ये देखने को मिला कि सलमान ने डेवलिना को बेवड़ी बोल दिया। नेशनल टीवी पे बेवड़ी बोलने से देवलीना उस समय पर बहुत ज्यादा पागल हो गई और वो बहुत ज्यादा सलमान पे गुस्सा करने लगी। लेकिन सलमान ने बोला कि सारी चीजें मैंने मजाक में बोली है तो इतना ओवरएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देवलीना नहीं मानी और देवलीना ने बहुत ज्यादा ओवरएक्ट किया और ये बात बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बवाल का रूप ले चुकी थी। वो कंटिन्यूसली सलमान से नेशनल टीवी पे लड़ती रही और कंटेस्टेंट बाकी लोग उनको समझाते रहे। लेकिन इस बात का क्या अंत निकला और क्या फाइनल हुआ वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम बात करें यहाँ पर बिग बॉस की ही। बिग बॉस की ये बात करें हम कि ग्रैंड फिनाले का समय है और सब लोग दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन खुलासा हो चुका है कि शायद कौन जीतने वाला है और तीन कंटेस्टेंट कौन फाइनल में पहुंचने वाले हैं। बता दें आपको यहाँ पर करण कुंद्रा और तेजस्विनी प्रकाश की जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। कभी लड़ाई झगड़े तो कभी प्यार भी नजर आता है, लेकिन फाइनल में पहुंचने के लिए इन्होंने काफी जुस्तजू की है। यहाँ पर करण कुंद्रा, तेजस्विनी प्रकाश और साथ ही यहाँ पर शेषपाल भी पहुंचेंगे। अब इन तीनों को देखना होगा कि कौन इनमें से जीतता है, लेकिन जहां तक चांसेस पूरे पूरे नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं करण कुंद्रा और तेजस्विनी में से, और सेकेंड रनर अप शायद हो सकता है यहाँ पर शेषपाल, प्रतीक सचपाल। लेकिन वो तो अब ग्रैंड फिनाले के दिन ही देखना होगा कि कौन जीतेगा बिग बॉस का खिताब और कौन नहीं जीतेगा। अब आखिरी में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ऐश्वर्या खरे के बारे में। बता दें कि इसको तो इनको तो हर कोई जानता है और बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इनका फैन है, और घर में से भाग्यलक्ष्मी को ही देखा जाता है। जी हाँ, ये भाग्यलक्ष्मी के सीरियल में आती है एज अ मेन लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे, जिनका नाम सीरियल में लक्ष्मी है। इन्होंने अपनी शुरुआत भोपाल से की, मुंबई आए और कुछ समय तो ये बिना काम के भी बैठी रही थी, और अब मेन लीड एक्ट्रेस। कहते हैं ना कि समय लगता है लेकिन मंजिल मिल ही जाती है, तो वही ऐश्वर्या खरे के साथ हुआ कि मंजिल आखिरकार इनको मिल गई और अब ये बतौर लीड एक्ट्रेस भाग्यलक्ष्मी में काम करती हुई नजर आ रही है, और इनका रोल ये काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। सीरियल है एकता कपूर का और ये सीरियल अभी शुरू हुए कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन लोगों का जो भी इसके लिए कमेंट्स आ रहे हैं या फिर व्यूज आ रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि चैनल और ये सीरियल जो है वो काफी लंबे समय तक आगे बढ़ता जाएगा। तो इन सब खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।